हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल न्यूमरेसी मैथ्स क्लासेस। तो आज के वीडियो हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके मार्क भी कर लेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन में क्या क्या होने, देखिए द टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर -1, 2 एंड 3, 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टिसेस। मींस आपको एक स्क्वायर गिवन है जिसके ऑपोजिट वर्टिसेस गिवन थे, तो मैंने ए और सी को मार्क कर लिया जो हमें गिवन थे। और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर टू वर्टिसेस पूछे हैं, मान लीजिए बी और डी के कोऑर्डिनेट हमसे पूछे हैं। तो हमने बी को मान लिया एक्स कॉमा वाई और डी को मान लिया x1, y1। तो लेट ए बी सी डी बी स्क्वायर, तो ए और सी मैंने लिख लिए हैं, ये कोऑर्डिनेट गिवन थे, और बी मैंने लेट किया एक्स कॉमा वाई एंड डी बी लेट किया x1, y1 बी द अदर टू वर्टिसेस। अब ध्यान देना, आपको x1, y1 दोनों की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको पता है स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती हैं, राइट। अब सभी साइड्स इक्वल है मींस आप ए बी बी सी भी इक्वल ले सकते हैं, ए बी डी सी भी इक्वल ले सकते हैं, ए बी ए डी भी इक्वल ले सकते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ऐसी दो साइड चूज करनी है जिसमें दोनों चीज ना आ जाए, लाइक x1, y1, x, y दोनों नहीं आ जाए, अदरवाइज क्वेश्चन में जो अननोन टर्म्स है वो 4 हो जाएंगे एक साथ, जिन्हें सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम कोई ऐसी दो साइड्स चूज करते हैं, लाइक हम ए डी और डी सी चूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें केवल x1, y1 आएगा, या फिर हम ए बी और बी सी भी चूज कर सकते हैं। तो मैं ए बी और बी सी लेके सॉल्व करूंगी। हम लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू बेस बी सी, क्या नाम है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड्स सेम होती हैं। अब ए बी की लेंथ कैसे निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से, जो कि क्या होता था, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, जिसमें अगर मैं ए बी की बात कर रही हूं तो जो बी है वो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट माना जाएगा और एक्स टू हो जाता है सेकंड कोऑर्डिनेट का एक्स, सेकंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। ए बी, ए बी मीन्स ये x1, y1 रोल प्ले करेंगे, x2, y2 और ये x1, y1, ठीक है। तो x2 - x1 यानी कि x - ऑफ -1 हम करेंगे तो x+1 हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दू, उतना तो आप समझ ही गए होंगे। प्लस y2 - y1 मीन्स y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी सी, बी सी, अब सी x2 y2 बनेगा, ये x1 y1। तो 3 - x का स्क्वायर प्लस 2 - y का स्क्वायर। क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट हटाना है तो मैं क्या कर लूंगी, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लूंगी, क्योंकि स्क्वायर रूट हटने से बहुत क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड हमें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ अंदर वाली टर्म बचेगी, अभी नहीं काट के मैं दिखाऊंगी। ए स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों फॉर्मूलों को हमें जहां जहां यूज करना है करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 + 2x प्लस y - 2 का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस 2 का स्क्वायर विच इज प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab, तो -2 × 2 × y, 2 × 2 हो गया 4y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसमें आएंगे तो 9 + x² - 2 × 3, तो 2 × 3 से होता है 6x। सिमिलरली मैं यहां लगाऊंगी तो 4 + y² - 4y, अब क्योंकि मैंने स्क्वायरिंग भी की हुई थी तो स्क्वायर से रूट हो गया आपका कैंसिल। तो आपके पास बच गया, देखिए ध्यान से, x² + y² + 2x - 4y + 4 + 1 हो गया +5। इधर है आपके पास x² + y² - 6x - 4y, 9 + 4 हो गया आपका 13। देखिए ध्यान से, ये दोनों तो हो गए कैंसिल, -4y - 4y भी कैंसिल, क्योंकि सेम टर्म है, इधर लेके जाते हैं तो हम ऑपोजिट साइन हो जाती है, इसलिए हम उसे डायरेक्टली ही कैंसिल कर दे रहे हैं। प्लस का 2x है, माइनस का 6x है, अब क्या करते हैं, x वाली टर्म एक साइड और कांस्टेंट वाली टर्म एक साइड, 13 प्लस का 5 इधर आके हो गया माइनस का 5, 6 + 2 होता है 8x एंड 13 - 5 भी होता है 8, इट इम्प्लाइज x की वैल्यू 8/8 विच इज 1, यानी कि आपका कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ, एटलीस्ट x की वैल्यू 1 मिल गई है। नाउ x की वैल्यू 1 मिल गई, अब आप इक्वल साइड दोबारा से करना चाहो तो कर सकते हो, लाइक ए डी डी सी कर लो, वहां से आपको x1 y1 में से कोई वैल्यू मिल भी सकती है और नहीं भी, इट डिपेंड्स, वैसे मिल जाएगी, x1 की वैल्यू मिल गई मान लो तो, लेकिन y1 के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, हमें स्क्वायर पता है कि 90 डिग्री के एंगल होते हैं सारे, अगर मैं AC को ज्वाइन कर दूं, राइट, देखो ध्यान से, AC की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। बारी आती है BC और AC में प्रॉब्लम, अब x हमें मिल चुका है 1, तो सिर्फ y की टर्म में क्वेश्चन बचेगा ना, ध्यान से देखना, 90 डिग्री मुझे गिवन है, अगर मैं इस ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगा देती हूं
तो का क्या पाइथागोरस थ्योरम होती है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्लियर है? अब इसका डिस्टेंस जब आप निकालोगे तो एक्स ऑलरेडी पुट कर चुके होंगे, वाई आ जाएगा, इसका निकालोगे वो भी वाई आ जाएगा, इसका ऑलरेडी कोई अननोन है नहीं, तो यहां से हमें वाई की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे ईच, बिकॉज ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, देयरफॉर ट्राइंगल जो है ना ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। देयरफॉर किस थ्योरम से? बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा ए बी सी में? तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर हम लिखेंगे, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब ध्यान देना, जो हम ये अंडर रूट वाली लेंथ निकालते थे ये ए बी, तो इसमें हम बी को 1.y ले रहे हैं क्योंकि मैंने एक्स की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे। ए क्या था आपका? -1.2 था, बी हमने लिया है 1.y एंड सी है आपका 3.2। अब इन वैल्यूज को पुट करेंगे। ए बी का स्क्वायर मीन्स ए बी डिस्टेंस होता था आपका अंडर रूट ऑफ समथिंग और इसका ऑलरेडी स्क्वायर है प्लस। अब आगे लिखेंगे ए बी, ए बी का यानी कि 1 -1 इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई -2 का स्क्वायर। सिमिलरली बीसी स्क्वायर, अब आप लिखेंगे बीसी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट बीसी की वैल्यू और उसका अभी हम कर रहे हैं स्क्वायर, बीसी ठीक है, 3 -1 का स्क्वायर, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा ये प्लस 2 -y का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा आपका अंडर रूट ए सी का स्क्वायर। तो अंडर रूट स्क्वायर ए सी यानी कि ये करना है 3 -1 3+1 हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रही हूं प्लस 2 -2 क्योंकि y2 - y1 होता है। अब मैं इसे सॉल्व करूंगी, देखिए ध्यान से, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, जब होल स्क्वायर रूट हो और होल स्क्वायर हो तो कैंसिल हो जाता है। अब ये देखो 1 -1 -1 हो गया प्लस 1+1 क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस, यहां वही फॉर्मूला जो बताया था लास्ट टाइम, a माइनस बी का स्क्वायर लगेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर विच इज 4 -2ab 2 to the 4y प्लस अंडर रूट 3 -1 2 होता है 2 का स्क्वायर 4 हो गया, सॉरी स्क्वायर रूट तो आएगा नहीं, कैंसिल हो गया था ना, वो आदत है ना लगाने के फॉर्मूले में इसलिए। तो अब यहां पे आएगा 2 - y का स्क्वायर यानी कि अगेन 4 + y² -4y इज इक्वल टू 3+1 4 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 2 - 2 0 0 का स्क्वायर 0। अब ध्यान से देखेंगे प्लस का वाई स्क्वायर है, ये भी प्लस का वाई स्क्वायर है, दोनों ऐड होके बन गए 2y², ठीक है, माइनस का 4y है, माइनस का 4y ऐड होके हो गए माइनस का 8y 4 4 8 4 4 8 8 और 8 हो गए टोटल प्लस का 16, इधर भी 16 है, प्लस का 16 रखा जाएगा -16 कट जाएगा, मैं यहां से काट देती हूँ, तो ये बच के आपके पास 2y² -8y = 0, तो 2y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y -4 कॉमन ले लेना, देखो 2 × y × y² ये आ गया, 2 × 4 8 होता है 8y। अब एक या तो वैल्यू हो सकती है y को 0 रख दो, एक हो सकती है y -4 को 0 रख दो, क्योंकि 2 कभी 0 हो नहीं सकता है, तो y -4 को जब हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 4, मीन्स आपके पास y की वैल्यू 2 आई है। और बी कोऑर्डिनेट में एक्स आपके पास ऑलरेडी 1 था, यानी कि बी की 2 पॉसिबिलिटीज है, देयर फोर बी कैन बी 1.0 और 1.4, ये पॉसिबिलिटीज हैं बी के लिए। अब हमें शो करना है डी के कोऑर्डिनेट, x1, y1 निकालना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? अब हमने पाइथागोरस भी यूज करके देख लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज करके देख लिया, यानी कि तीसरी चीज अब कुछ बच रही है। तो देखो ध्यान से, हमें प्रॉपर्टी पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं ना स्क्वायर में वो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करने का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, मीन्स ओ ए ओ सी इक्वल हो जाएगा, ओ बी ओ डी इक्वल हो जाएगा, मीन्स जो ओ है वो ए सी का भी मिड पॉइंट है एंड ओ बी डी का भी मिड पॉइंट, हम लिखेंगे इसे, एंड वी नो दैट diagonals of square bisect each other therefore जो O है is midpoint होगा किसका, BD का भी, समझ में आया ना? क्यों होगा? क्योंकि वो equal part में divide हो रहे हैं, मतलब अगर ये पूरा 8 है तो ये 4-4 हो गया और ये भी 8 है क्योंकि diagonals same भी होते हैं, है ना, तो ये भी 4-4 हो गया, तो midpoint दोनों का same होगा, तो O is midpoint of BD
एंड आप ये भी लिख सकते हो एंड डायगोनल्स आर ऑफ सेम लेंथ, दोनों चीजें इसीलिए आपका ये हो पाया है राइट. ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी ऑल्सो, यानी कि दोनों का मिड पॉइंट सेम है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देते हैं. देखो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके पास, अभी हमने निकाले हैं 1.0 और 1.4, अब आपको दोनों ही यूज करने पड़ेंगे ठीक है. डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, एक्स 1.y1 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3.2 एंड ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -1.2. तो बी डी, बी डी का जब हम मिड पॉइंट निकालेंगे फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, x1 plus x2 upon 2 एंड y1 plus y2 upon 2. या फिर क्वेश्चन को और इजी बनाने के लिए हम इसे 1.0, 1.4 से कंफ्यूज ना होके हम इसे सिर्फ 1.y लिख रहे हैं अभी राइट, लास्ट में मैं इसे पुट करने वाली हूं. तो बी डी का मिड पॉइंट का फॉर्मूला होगा x1 plus x2, तो 1 plus x1 हो जाएगा ये 1 plus x1 upon 2 कॉमा y1 plus y2 यानी कि y plus y1 upon 2, ये इक्वल होगा एसी के मिड पॉइंट यानी कि 3 plus minus minus होता 3 minus 1 upon 2 कॉमा 2 plus 2 upon 2 राइट. देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम, ये हम एज इट इज रहने देंगे, इससे नहीं छिड़ेंगे. ये हमारा y plus y1 upon 2 इज इक्वल टू 3 minus 1 होता 2, 2 upon 2 होता है 1 कॉमा 2 plus 2 होता है 4, 4 upon 2 होता है 2. तो ध्यान से देखेंगे जब क्योंकि इक्वल है मीन्स आपकी 1 plus x1 upon 2 की वैल्यू होगी 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, तो 1 plus x1 हो गया आपका 2 एंड x1 की वैल्यू हो गई 2 minus 1, तो 1 x1 आ गया आपका 1. ऐसे ही ये वाले कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे दैट इम्प्लाइज एंड y plus y1 upon 2 इज इक्वल टू 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y plus y1 आ गया आपका 2 2 जा 4. अब y की हमारे पास दो वैल्यू थी, तो इफ y इज 0, अगर y को 0 पुट करते हैं तो 0 plus y1 इज इक्वल टू 4, दैट इम्प्लाइज आपका y1 आ जाता है 4. इफ y इज 4, अगर 4 होता है तो y1 की वैल्यू आ जाती है 0, क्योंकि 4 minus 4 हो जाएगा 0. देयरफोर हमें क्या करना है, जो d के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम अगेन 1.4 और 1.0 बोल सकते हैं, कोई एक ही आंसर में लिखा जाएगा क्योंकि दोनों सेम नहीं हो सकते. लाइक अगर आप बी को 1.4 बोल रहे हो तो डी को 1.4 नहीं बोल सकते हो, सिमिलरली अगर आप बी को 1.0 बोल रहे हो तो डी को 1.0 नहीं बोल सकते हो. तो ये केस हो गया, तो 1 को आप 1 ये ले लो देन डी ए हो जाएगा 1.0, और अगर आप बी को ये लेते हो 1.0 तो आंसर हो जाएगा डी इज इक्वल टू 1.4. तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर. एक बार फटाफट से वीडियो को दोबारा से देख लेंगे, हमने क्या किया था देखिए ध्यान से. एक स्क्वायर बनाया, सबसे पहले हमने दो साइड्स ऐसी ली जिसमें एक अननोन वैल्यू हो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई है. फिर हमने लगाई पाइथागोरस थ्योरम, उसको यूज किया जब हमने पाइथागोरस थ्योरम को, तो हमें वहां से वाई की वैल्यू 2 मिली ठीक है. वाई की वैल्यू 2 मिली, उसके बाद हमें प्रॉपर्टी को समझ में नहीं, बट हम जानते हैं कि स्क्वायर के डायगोनल सेम होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं तो उनकी मिड पॉइंट दोनों के सेम हो जाएंगे क्योंकि वो इक्वली डिवाइड करेंगे. मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करी तो हमें y1 भी डिफरेंट डिफरेंट मिल गया है. तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 4 हो जाता है ओवर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय.